हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। 10 में 43 का डिवाइड कैसे करें, इसको आप ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, किसका डिवाइड करना होता है, जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। देखिए, 43 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। देखिए, डिवाइड करने का यदि आपको बेसिक तरीका मालूम है, डिवाइड की शुरुआत कैसे करें यह मालूम है, तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या यह 43 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर हम क्या करें। आप बोलेंगे, सर बिल्कुल सिंपल है, करना क्या है, पॉइंट लो, इसके साथ 0 लिख दो। अब आपका यह 43 से बड़ा आ गया। अब 43 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 100 से बड़ा ना है। देखिए, 43 को हम 2 से गुणा करते हैं, फिर हमने इसको माइनस करना है। क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। फिर इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं, 129 आ जाता है। फिर हमने इसको घटा दिया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर भाग चला गया आपका 2 बार, फिर हमने माइनस कर दिया, आ गया 4, 2, पॉइंट लगा रखा है तो फिर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी हमने अपना 10 में 43 का डिवाइड किया, कितने मिल गया, 0.232 मिल गया।